अर्चना जी एक ना एनआरआई पार्टी आई है, बॉलीवुड के पीछे इतनी पागल है ना कि जितने मर्जी पैसे हेट लो, मैंने सारे डुप्लीकेट बुला लिए। हाँ, और कोई आपसे भी पूछे ना कि आप कौन हो, आप बोल देना मैं राजा मुराद हूँ, ठीक है? हाँ, चलो काम कर गया सब। तेरे को वीकेंड की बहुत बहुत बधाई हो। वाह 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 वाह, बधाई हर बार नहीं नहीं ले आता है, फूल वही सड़े से झट। कप्पू मेरे पापा कहते हैं कि पुराने फूल की खुशबू और पुराने दोस्तों की दोस्ती कभी खत्म नहीं हो सकती। तेरे पापा तो ये भी कहते हैं तू सबसे बड़ी गलती है उनकी। कितना झूठ बोल रहा है, उन्होंने सिर्फ गलती कहा था। बड़ी नहीं बोला यार। तुम फिर इधर आ गए हो? तो मैं क्रिसमस हूं कि साल में एक ही बार आऊंगा? देखो लोहड़ी मांगने वाला बच्चा सीधा क्रिसमस की बातें कर रहा है। और तुम्हारा जमीर है कि नहीं है? तुम रोज इधर आ जाते हो। यार मुझे ही कहते रहते हो, ये केबल वाला दूध वाला आते हैं उनको तुम कुछ नहीं कहते, रोज आते हो। दूध वाला है, दूध वाला आता है, दूध वाला तो हमें दूध देके जाता है, तू कभी हमें दूध देके गया? तू कभी हमें अपनी एक्टिंग देके गया? कमाल कर रहे हो यार, एक्टिंग तो सारी मेरी उधार मांगने वालों के सामने निकल जाती है, पता कितना मिनटों वाला मुंह बना के बैठना पड़ता है। तो तुम्हें क्या जरूरत है मुंह बनाने की, तुम्हारा तो नेचुरल ही वैसा है। बोल कौन रहा है? ये देखो प्रिंस ऑफ उधारपुर। मैं सच्ची बता रहा हूँ अर्चना जी, इतना उधार लिया हुआ है इसने कि सरकार ने इसका आधार कार्ड नहीं बनाया, उधार कार्ड बनाया। ओए और मेरी बात सुनो, आज मैंने रखी यहाँ पे बॉलीवुड की पार्टी। वेरी गुड, मेरे पास थ्री पीस सूट है। अंडरवेयर बनियान और रुमाल को थ्री पीस सूट नहीं कहते पहले तो। बंद रखा कर अपना। अरे ठाकुर साहब, क्या कैसा है? बढ़िया बढ़िया एकदम। फिर आ गया काम मांगने। अर्चना जी ये इंडस्ट्री का एक पहला आर्टिस्ट है जो काम मांगने के बहाने 4-5 एपिसोड कर जाता है। कपिल यार ये क्या चल रहा है यार ये सब? वाह 4 एपिसोड क्या कर लिए भाई से सीधा कपिल। अरे मेरा मतलब है, अरे कप्पू भैया कैसे हो? मैं बताता हूँ क्या हुआ है। हाँ? इसने ना इधर बॉलीवुड पार्टी अरेंज की है और हमें कहते हैं यहाँ से निकलो, बताओ कोई बात बनती है? बात बनती है तो ठीक ही तो कह रहे ही है, तो निकलो यहाँ से, कप्पू भैया ने कह दिया, बात खत्म। कप्पू भैया हेलो, देखो तुम लोग निकलो यहाँ से, हम लोग हैं, हम लोग संभाल लेंगे। हाँ? वाह वाह, निरुआ को देख कर जिसकी चीखे निकलती है ना वो बॉलीवुड स्टार संभालेगा। ओफो सो मेनी प्रॉब्लम्स। सुना कि यहाँ पे बॉलीवुड पार्टी हो रही है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ मैं कौन सा लुक रखूं, वेस्टर्न या फिर ट्रेडिशनल? भाभी वैसे तो मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ पर आज मेरा दिल करता आपका जूड़ा पकड़ कर ना ऐसे निकाल दूं आपको। वो तो आप कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि मैंने बाल खुले छड़े हैं। तो पहले जूड़ा करूंगा फिर करूंगा मैं। है? मुझे कोई बात ही नहीं आई। पार्टी रख रहे हो और ग्लैमर को बुला भी नहीं रहे हो। इधर आ, ये बातें, ये बातें तेरे को कोई बताता है कि तेरे वैसी क्रिएटिविटी आती दिमाग में? ग्लैमर को नहीं रख रहे? ओए मेरी बात सुन, तेरे अकल नहीं है, घर में शीशा तो है कि नहीं तेरे? शीशे तक पहुंच कब पाती है ये? चिटकनी लगाने के लिए तो सीढ़ी पे चढ़ती है। अच्छा देवर जी ये बताओ कि मैं पार्टी के लिए गाउन सवालू? नहीं नहीं गाउन नहीं, गाउन आपको बहुत छोटा पड़ेगा। आप एक काम करिए, पीछे ना हलवाइयों का तंदूर है वो पहनी। वाओ हाउ स्वीट, क्या मैं इतनी हॉट हूँ? ओए मेरे पास ना एक आइडिया है। बोलो बोलो। एक दूसरे का हाथ पकड़ो। हाँ। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा बड़ा फायदा होगा। तुम्हारा क्या फायदा होगा? ए, तुम बोर नहीं होंगे? हमारे साथ जैसे बड़ी शकीरायन पार्टी भेज रहे हो ना, तुम बोर नहीं होगे। चलो यार चलो। हेलो, हाँ डुप्लीकेट नहीं आ रहे? लेकिन मैंने पार्टी से एडवांस लिया है, और मेरी बात तो सुनो। हेलो हाँ चलो चलो एक काम करते हैं, सुनो चलते हैं यहाँ से। हेलो हेलो, हमारा टाइम पास भी हो जाएगा। नहीं चलो, नहीं जाने दो ना। चलो चलो मेरी
चलो 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 बात सुनो। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, आखिर हमारी भी कोई इज्जत है यार। हमारी तुम लोगों की। एक बात कहूँ, आज दुनिया की कोई भी ताकत हमको नहीं खरीद सकती। हाँ कृष्णा, हाँ करना क्या है भाई, करना क्या है बताओ। कृष्णा बोल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वाह शर्मा, क्या तुम सबका जमीर मर गया है? वैसे जमीर का काम ना सर्दियों में होता है, गर्मियों में बड़ी गर्मी लगती है जमीर से। मैं अपनी बहन के साथ हूँ। मैं तेरे साथ नहीं हूँ। नहीं, मैं अपनी बहन के साथ हूँ। लेकिन अभी मैं बाकी हूँ। हाँ यार, हाँ हमारा ठाकुर रह गया। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, ऐसे पांच तुमने मुझे देने हैं। थैंक यू। 5,000 रुपए दे नहीं तो निकल कर। नहीं नहीं, जब तक मेरा भाई कपूर शर्मा मुसीबत में, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तेरे को 5,000 देता हूँ, मैं मुसीबत में रह के खुश हूँ, तू दफा हो। सुनो चल, रह ले, मनहूस आदमी है, बद्दुआएं देगा। सुनो मेरी बात। हाँ जी जी। तुम सब लोग फटाफट डिसाइड कर लो, बनना क्या है तुम लोगों को? बनना मतलब, अरे रेडीमेड शाहरुख। अरे मैं तो कितने अच्छे हाथ फैलाता हूँ ये देख। ये हाथ तो तब से फैला रहा है जब शाहरुख मार्केट में भी नहीं आया था। दोनों हाथ फैलाने से भीख मांग रहा तू, शाहरुख लगता है इसे। ओए, हाथ फैलाने से कोई शाहरुख नहीं बन जाता। हाँ। स्टाइल होना चाहिए जैसा मुझ में है। बताओ कपिल। ओए, वो मन्नत में रहने वाला, तू मिन्नतों में रहने वाला। स्टाइल तेरा कहां से आ गया बे? कपिल यार, ये कैसे दोस्त है यार, हमेशा काम मांगते रहते हैं, कैसे दोस्त है? ओ हेलो, हम तो फिर भी अपने दोस्त से मांगते हैं। शर्म कर, तू हमारे दोस्त से काम मांगने आया है? ऐसी कोई बकवास की तो कप्पू क्या बनोगे? मैं गोविंदा बनूं। और कितना बनेगा तू? और कितना? इतना गोविंदा बन चुका, अब तो गोविंदा भी गोविंदा नहीं बनता। उनको भी लोग पूछते हैं आप कौन है, कहते मैं ऋतिक रोशन हूँ। शर्म कर। कप्पू मेरी सोच ले, मैं दीपिका पादुकोण बनूंगी क्या? ए अपना दीपिका पादुकोण, ऑडियंस में कोई लेडी अगर इसके गले पे काटे, मैं 3,000 दूंगा। अच्छा अगर ये दीपिका बनेगी तो फिर मेरा रणवीर सिंह बनना तो जायज ही है। मेरा झंडा कहाँ है? रणवीर सिंह तो ये दीपिका बन रही है, इसको कोई कुछ नहीं कह रहा, मेरे टाइम मौत पड़ रही है। एक मिनट, बड़ी बहन तेरी आलिया दिखती है, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने आप को दीपिका समझे। कप्पू, मैंने सुना आज बॉलीवुड पार्टी होने वाले हैं और सब लोग कुछ कुछ बन रहे हैं, मैं क्या बनूं? तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं साड़ी पहन के आ जाऊं, मुझे बना लो अपनी गर्लफ्रेंड। बोलने से पहले सोच लिया अगर कैसा लगेगा साड़ी पहन के, मैदे के आदमी। ये फालतू बातें छोड़ो, बताओ मैं क्या बनूं? मैं कहता हूँ तुम वेटर बन जाओ, लोगों को लगेगा हमने विदेशों से वेटर मंगाए। लेकिन अगर मैं वेटर बन गया तो ये क्या बनेगा? मुझे लगता है आज ना मैंने अंग्रेजों से बदला ले लिया। फिर अच्छा यार, तुम कुछ कहते क्यों नहीं इसको? तुम्हारे दोस्त को वेटर बोल रहा है। उसकी बहन देखी कितनी सुंदर। मैं क्यों कहूँ फिर, मैं वेटर लगता हूँ? नहीं नहीं, तू तो ठाकुरों की मुराद जान लग रहा है। ओए दोस्ती कोटे में भरते हुए इंसान, तू तो नाना बोल कम से कम। अच्छा तुम्हारी तो जैसे यहाँ बड़ी आर्टिस्ट कोटे से प्लेसमेंट हुई है ना। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? आप विकसित लड़की। मैं आज की लड़की हूँ, कहीं भी बोलू तुम्हारा क्या एक्स्ट्रा विकसित लड़के क्या कर लेगा? मैं तुमसे शादी कर लेगा। ओए सुनो मेरी बात, पार्टी का टाइम हो रहा है,
और अपनी एनआरआई पार्टी आने वाली होगी, फटाफट निकलो और कुछ ना कुछ बन के आ जाओ। हाँ। और कृष्णा तू थोड़ा संभाल के। तो इसने क्या रस्सी पे चलना है? कृष्णा संभाल के चलो, ये नहीं करना ठीक है। मैंने आलिया ही बनना, मैं आलिया दिखती हूँ, मैं आलिया ही बनूंगी। हाँ हाँ आलिया की मम्मी, मैंने आलिया ही बनना, मैं बनूंगी आलिया। अर्चना जी आज तो पैसे की बारिश होने वाली है, एनआरआई पार्टी आ जाए सही। आइए आइए मैडम, आइए आइए मैडम, आइए आइए आइए। मैडम ये है कप्पू शर्मा, और कप्पू शर्मा ये है हमारी बॉस नताशा फ्रॉम कनाडा। हाय। अरे मैडम इन्होंने फोन में मुझे बताया था कि इनके चाचा जी भी कनाडा में रहते हैं। ओह वाओ रियली, कहाँ रहते हैं? कनाडा स्टेशन से उतरते ही वो जो शास्त्री नगर है, शास्त्री नगर से ऐसे बाया मार के हनुमान मंदिर के पास। लेकिन वहाँ तो कोई हनुमान मंदिर नहीं है। अच्छा, मे भी चाचा जी मर गए शायद, पता नहीं, काफी देर हो गए मिले नहीं। वैसे आज पार्टी में कौन कौन सेलिब्रिटीज आ रहे हैं? कीनिया की टीम आ रही है। क्या? अरे बॉलीवुड पार्टी में कीनिया की टीम क्यों आएगी? हाँ तो जो पता है तो फालतू में पूछ के टाइम क्यों खराब कर रहे हो? बच्चन साहब का फोन दो बार आ चुका है, मैं उठा नहीं रहा हूँ। क्यों? अरे किसी और के फोन पे आ रहा है ना, मेरे फोन पे नहीं आ रहा है अभी। वैसे आप बाकी का पेमेंट कर दीजिए ताकि पार्टी शुरू करें। अरे एडवांस दिया है ना, सेलेब्स कहाँ हैं? आपने जितना एडवांस दिया उतना वो घर में निकल के गाड़ी में बैठ चुके हैं, बाकी का दोगे वो आ जाएंगे। अब आपको पैसे मिल जाएंगे पर पार्टी तो अच्छी होगी ना? अरे पार्टी तो ऐसी होगी मैडम आपने लाइफ में कभी देखी नहीं होगी। आपको पता है ये जो विराट और अनुष्का की शादी हुई थी इटली में, सारे स्टार मैं ही लेके गया था। एक मिनट, वहाँ पे तो कोई भी स्टार नहीं गया था, मैं कहीं और ले गया था। वो क्या है, ये विराट ने बोला था ज्यादा शो ऑफ नहीं करने का, उस हिसाब से। अब अच्छा आप ये सब बातें छोड़िए, आप प्लीज बच्चन जी को बुलाइए ना, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूं। अभी बुलाता हूं। मिस्टर बच्चन, हेलो। अबे कहाँ है? तुम दोनों नल्ले लोगो, तुम दोनों। सुन बे, तू शाहरुख है तो सलमान है भैया? हाँ भाई। अबे एक मिनट एक मिनट, ये शाहरुख का डिंपल कहाँ गया? डिंपल वो मैंने कपाड़िया को दे दिया। एक मिनट भाई साहब, आप डिंपल कैसे दे सकते हैं? तो पिंपल देते तो अच्छा लगता, तो डिंपल दे दिया। लेकिन एक बात बताइए, सलमान भाई साहब जो एकदम पतले से क्यों लग रहे हैं? हाँ। वो क्या है ना कि मैं किसी का शो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसलिए टेंशन टेंशन दिन रात टेंशन। मैं कहता हूँ सल्लू टेंशन छोड़ दे, वो शो में मैंने एक लड़के को देखा है। अच्छा ठाकुर क्या करता है यार, क्या करता है? इतने बड़े सेलिब्रेट हो गए आप, ठाकुर को जानते? ठाकुर को कौन नहीं जानता, जब देखो काम मांगता रहता है, मंगोड़ा कहीं का। हम ठाकुर में इतने छेद करेंगे कि समझ में नहीं आएगा कि चाहे छन्नी से छाने या बॉडी से। तेरी चाय की सूखी पत्तियां, तेरी चीनी के डिब्बे पे बैठी मक्खियां, तेरी नमकीन मठियां, तोड़ दूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। अरे ये दोनों क्या कर रहे हैं? ओवर। चलो निकलो यहाँ से, चलो हटो। एक मिनट, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी से ऐसे बात करते? डाउन टू अर्थ है बड़े दोनों। सर एक मिनट, मुझे नोट पाइट। मुझे जाने से पहले सलमान सर आपका भी लेंगे बाद में। सर आपका एक ऑटोग्राफ प्लीज। अरे इन्होंने नाक क्यों पहुंच दिया? नाक पहुंच के अंगूठा लगाया है। अंगूठा? हाँ। ये अंगूठा क्यों लगा रहे? वो क्या है कि सुपरस्टार बनने के बाद मैं छोटे से अंगूठे को कैसे भूल जाऊं यार। वाओ कितने महान विचार है सर आपके। अब सर वैसे आप भी एक ऑटोग्राफ दे दीजिए ना। पहले मुझे थोड़ा सीधा करो। T H A K U
और ठाकुर। अरे ये शाहरुख सर अपने ऑटोग्राफ में ठाकुर क्यों लिख रहे? वो जो छोले वाला ठाकुर नहीं था जिसके हाथ नहीं थे, और पंडित ने बोला ये उसका जितना साइन करेंगे उसके धीरे धीरे हाथ उगने लगेंगे, तो उस हिसाब से। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं तेरा बहुत हो गया, अभी निकलो। है थोड़ा सा। अरे निकलो निकलो निकलो, बाहर स्टार्टर शुरू हो गए। चलो इधर है, किधर? इधर 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 स्टार्टर इधर इधर। ये दोनों तो ऐसे भाग के गए जैसे जिंदगी में कभी स्टार्टर खाया ही नहीं इन्होंने। हाँ तो नहीं खाए ना, बड़े लोग हैं, पार्टी में हमेशा लेट पहुंचते हैं, तो जब तक पहुंचते हैं स्टार्टर खत्म हो जाता है, मेन कोर्स खा के निकल जाते हैं। अच्छा लेकिन एक बात बताओ मुझे, ये दोनों शाहरुख सलमान नहीं लग रहे? आपने जो सोनी पे शो देखा है उसमें ऐसे सामने कौन बैठा रहता है? सिद्धू जी। हाँ तो अभी सामने से कैसे दिखते हैं? अभी कौन बैठा है? अर्चना जी। हाँ तो ये कैमरा इफेक्ट होता है। हाँ सामने से अर्चना जी लगती है, टीवी पे देखो सिद्धू जी लगती है, टॉप एंगल से देखो गोगा कपूर लगती है, साइड से देखो परमीत सेठी लगती है, हाँ ऐसे त्रिकोण में देखो तो अमरीश पुरी लगती है, तो ये कैमरा इफेक्ट होता है। कौन है ये जिन्होंने इतने अच्छे गाने पे एंट्री ली है? किसकी तलवार पर सर रखूं बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। अरे ये डायलॉग तो दीपिका का है, लेकिन ये कहीं से भी दीपिका नहीं लग रही है। तो कहां से लगेगी? बोल तो रही है सजा दो मुझे, अभी पूरी सजी नहीं है, मेकअप आधा हुआ है, सजना बाकी है अभी। दीपिका पादुकोण, Oh my God, I'm such a big fan of yours. आप अब अकेले क्यों आए? रणवीर सिंह को क्यों नहीं लाए साथ में? रणवीर सिंह आ रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में पार्टी हो रही थी, तो उधर डीजे बज रहा था, तो आपको तो पता है कितने नचेड़े हैं, बहुत बड़े, वो उधर नाचना शुरू कर दिया, अकेले आ गई। अच्छा वो वहाँ पार्टी में चले गए, तो एक मिनट मैडम, आप उनके साथ उस पार्टी में नहीं गई? नहीं नहीं शादी हुई ना अभी। नहीं नहीं बहू को पार्टी में भेजेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा लगता है? अरे ये यहाँ पे भी तो पार्टी में ही आई है ना। और क्या? हाँ तो इधर कौन सा पूरी आई, आधी भेजी ना उन्होंने। आपने कितनी पेमेंट की बात हुई थी? 10 लाख। 10 लाख की तो आपने कितने दिए? 10,000। 10,000 में फिर इतने ऐसे ही आएगी थी। सुनिए हमें आपसे 2 मिनट बात करनी। मेरे पास टाइम नहीं, अंदर जाकर खाना खाओ। चलो एक मिनट, मैं देख रहा हूँ तब से इतने बड़े बड़े स्टार से आप ऐसे बात कर रहे हो यार। ये कौन सी स्टार है? ये स्टार नहीं है। स्टार है, स्टार है, मेरा मतलब है ये भी स्टार है, लेकिन असली स्टार वो होते हैं जो देश के लिए कुछ करते हैं, जैसे सानिया मिर्जा हो गई, कपिल देव हो गए, अर्चना पूरन सिंह हो गई। अच्छा। इन्होंने देश के लिए क्या किया है? इन्होंने देश के एक मंत्री को रेस्ट दी है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं जरा पता करके आता हूँ। हाँ। यार फिर वही बात, गड़बड़ लग रही है। अब अभी और एक्टर आ रहे हैं, उनको एस्कॉर्ट करना है, बैठिए इधर। गणेश आचार्य, ये ज्यादा बोली ना तो धोपूंगी। हाँ मैं आलिया भट्ट हूँ, आलिया भट्ट, ये देखो क्या आलिया भट्ट। आलिया तो है। अरे नहीं नहीं ये आलिया कहाँ से लगती है यार? तो आप कौन सा मैनेजर लगते हैं? मैं कल एक बंदे से मिला था, वो भी मैनेजर था, वो तो ऐसा था नहीं, गुल्लक जैसे मुंह वाला। हाँ तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग मैनेजर होते हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग मैनेजर होते तो हमारी आलिया अलग नहीं हो सकती है? अच्छा ये आलिया है। हाँ। अच्छा हाँ, मेरी कसम मर जाएगा तू। आलिया इतनी स्लिम एंड ट्रिम। हाँ। ये इतनी जाड़ी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, आलिया बहुत स्लिम है। मैडम कितनी बार कहा जकूजी में ज्यादा मत बैठा करो। सारी रात टब में बैठी रही है, पानी चूस चूस के मोटी हो गई, अभी क्या करें? अच्छा। हाँ। ऐसा करो आप मेरे साथ ना फटाफट सेल्फी ले लो, क्योंकि ना मुझे फिर बच्चों के डायपर बदलने भी जाना है। अरे डायपर मतलब आपकी तो शादी नहीं हुई ना अभी आलिया जी। अच्छा काम करने के लिए शादी करनी जरूरी है क्या? अरे जिस उम्र में लड़कियां सेल्फी खींचती है, मेकअप करती है, ये जाके गरीब मजलूम बच्चों का डायपर बदलती है, पता है? अरे क्या बात कर रहा है, लोग गरीब बच्चों को खाना देते हैं। हाँ। ये डायपर कौन देता है यार? तो सारे खाना दिए जा रहे, खाना दिए जा रहे, खाना बाहर भी तो आएगा कि नहीं? वही बात, अब खाना बाहर निकलेगा तो उसके लिए डायपर चिपकाना पड़ेगा कि नहीं?
इसलिए यूज डायपर सेव वाटर। ओके एक मिनट, ये बंदरिया आगे जल्दी चल। सुन, तूने सुना सेव वाटर आधा आधा घंटा पानी चला के नहाती रहती है। अरे ये आलिया दीपिका को डांट रही है। हाँ? अरे वो सीनियर है इससे। हाँ तो वो हम्बल है ना, डाउन टू अर्थ है वो, बिल्कुल भी है ही नहीं एटीट्यूड की मैं छोटी हूँ। अरे हा? छोटी है तो बड़ी को एटीट्यूड होना चाहिए ना। तो बड़ी जो है वो महेश भट्ट से तो छोटी है ना। महेश भट्ट कहाँ से आ गया? कश्मीर से आ गया महेश भट्ट, कहाँ से आ गया? क्या मतलब, क्या कमाल कर रहे हैं वो, तो अनुपम खेर से पहले आ गए थे, आपको पता ही नहीं है, पागल कहीं है। आप लाइए मेरे को, बाकी का पेमेंट दीजिए आप। जी हाँ, जल्दी से पेमेंट कर दीजिए, मुझे चप्पल लेनी है। चप्पल लेनी है? हाँ हाँ, मैडम की नई फिल्म आ रही है, वो कंजा किला कंसाली की फिल्म आ रही है, मुझे चप्पल लेनी है, हिस्टोरिकल मूवी है। एक मिनट दीपिका, चप्पल तो बाद में लेना, पहले भैंसों के लिए चारा लेना है। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ आलिया की नई फिल्म आ रही है, भैंसों के लिए चारा लेना है। वाह, आपको तो सारे पता है। आप तो पक्का वो सीक्रेट बॉलीवुड मैगजीन पढ़ते हैं आप। एक मिनट, ये सब बातें बंद कीजिए, मैं कब से बोल रही हूँ आप बच्चन साहब को बुलाइए, वरना हम जा रहे हैं। जा क्यों रहे, मैं बुलाता ना बच्चन साहब को। कप्पू, कृष्णा ने ज्यादा पी ली है, वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, तुम संभाल लो। अब मैनेजर साहब आप चलिए यहाँ से। अरे आप कहाँ जा रही हैं? मैं जा रही हूँ। रुकिए, बच्चन साहब आ रहे हैं। उन्होंने नहीं आना, ज्यादा पी ली है कृष्णा ने। पी ली है आलिया? अरे आलिया ना पी ली है, आलिया बेबी बच्चन साहब चलिए चलिए। रुकिए, बच्चन साहब आ रहे हैं। कब से आप बोल रहे आ रहे आ रहे, आ तो है नहीं रहे। इधर आ जाइए, उनको एंट्री के लिए जगह चाहिए होती है। बच्चन साहब बच्चन साहब, लेकिन गोविंदा गोविंदा कर क्यों कर रहे हैं? ये खुद बताएंगे, इन्होंने भी तो पैसे लिए, मैं अकेला क्यों मरूं? बताइए। और इसलिए क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने मामा गोविंदा की वजह से हूँ। हे भगवान, इसलिए मैं ये क्या कह रहे हैं, गोविंदा आमी जी के मामा कैसे हो सकते? ए देखो, इसका जवाब दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। एक मिनट सोचने दो। दीपिका पादुकोण अमिताभ बच्चन की बेटी है? नहीं। पीको में थी ना? तो जो फिल्मों में होता है वो असल में नहीं होता, जो असल में होता है वो फिल्मों में नहीं होता। सही है। क्या मतलब, क्या मतलब, मतलब 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 जब से मतलब 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 किए जा रहे, मतलब आदमी कह के ये नहीं कि एक आदमी अकेला संभाल रहा है, उसकी हेल्प कर दूं, मतलब हेल्प मतलब। एक मिनट रुको यार, बच्चन साहब एक बात बताइए। बच्चन साहब ने पी हुई है। आप इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। पिए बच्चन साहब। ए बच्चन साहब, अबे बच्चन साहब, तुझे बोला था ना कृष्णा दारू पी के नहीं आना। अरे मैंने सिर्फ दो ही पैक मारे यार, टेंशन मत ले। देख मोहतरमा को मैं संभाल लूंगा, उसको आदमी को तू संभाल लूंगा। बच्चन साहब, कहीं ऐसा ना हो आपकी सजा कृष्णा को मिल जाए, निकाल दूंगा उसको मैं। अरे मुझे जो मिलना चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। मुझे मिल चुका है, तू अपना ढूंढ ले। आप लोग बच्चन साहब पूरा हाथ जोड़ो, ये देखो अमिताभ बच्चन। बच्चन साहब तू ऐसे नहीं सुधरेगा। हाय रब्बा। बच्चन साहब आप क्या, आप पार्टी एंजॉय करिए, बाकी स्टार्स को देख के आता हूँ मैं। हाँ, तुझे दिखाता हूँ मैं। बच्चन साहब एक बात बताइए, आप सच में बच्चन साहब ही है ना? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। अरे अभी तो आपने कहा फेंके वो पैसे नहीं उठाता। अरे शुरू शुरू में नहीं उठाए ना तो काफी नुकसान हो गया था हमारा। वैसे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो अब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? सुनो, सूर्य वंशम की खीर से भी जहरीली परफॉर्मेंस थी इनकी। अरे उठिए उठिए बच्चन साहब, उठिए। अरे
Hi, I'm Priyanka Chopra, and this is my Nick. Wow! Wow, wow, wow! Priyanka Chopra! नहीं, ये प्रियंका चोपड़ा नहीं लग रही है. Excuse me. नहीं 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 मैडम, ये प्रियंका चोपड़ा ही है. एक मिनट देखिए मैडम, प्लीज. मैंने इतने सारे माने ना आपके लिए, आप मेरे लिए एक मान लीजिए प्लीज. प्रियंका चोपड़ा. मैं एक मिनट, आप मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हें वो प्रेम चोपड़ा की रोमांटिक फिल्म दिखाऊंगा. खबरदार, मेरी बहन को चुआ तो. क्या 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 कहा? बहन बहन बहन. हाँ, ये गुजरात से आया ना. हाँ, पर सबको बहन बहन बोलते हैं, इसीलिए. क्यों बहन? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता. तो कुछ दिन गुजारी है गुजरात में. वाह वाह. हाँ वो गली को आग कहते हैं, बुजुर्ग राख कहते हैं, और जो तुमने क्या कर रहे थे उसको बकवास कहते हैं. शत्रु जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. शुक्रिया. कल छुट्टी है देवी और सजनी कहीं की. पहले कहती हमारी फैन, अब कहती इनकी फैन. हाँ. अरे सर, आप नाराज मत होइए, आप खुद को तो चार चार ऑप्शन देते हैं, मैं दो भी नहीं ले सकती क्या? मैं आपकी भी फैन हूँ और मैं आपकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ. सर मेरा नाम नताशा है, मैं कनाडा से आई हूँ. वाह वाह वाह. अरे कनाडा में तो हमारा भी घर है. हाँ, कहाँ? ये अपना बांगुर नगर में. अरे सर, वो वैंकूवर है. हाँ, तेरी बहन का कुंवर. एक मिनट, जरा बात कर ले, पुराने दोस्त है. मैं क्या कर रहा है कपिल? अब तेरी उतर गई. अब एक एक करके मैं सबके उतारूंगा. और सुनो, ये बॉलीवुड पार्टी चल रही है तेरी फूफी का लेडीज संगीत नहीं, कि तेरे जैसे आओगे पाओगे पार्टी संभालेंगे. समझ में आया चबड़ गंजू? ठीक है, हम जा रहे हैं. नहीं नहीं, रुक जाए, एक मिनट, जल्दी दो. सर, मैं आपका एक ऑटोग्राफ चाहती हूँ. जाने से पहले प्लीज एक ऑटोग्राफ दे दीजिए. जाओ, सबसे पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया कि मेरा बाप चोर है. जाओ. ए बधाइयों के लल्ला, ऑटोग्राफ मांग रहे, चुपचाप दे वरना तेरा विग उखाड़ दूंगा मैं. क्या क्या कहा आपने? उन्होंने विग पहना हुआ? अबे तेरे अर्थी के फूल, विग नहीं, बिग 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 मतलब. अरे हट, जब से आया है सवाल पे सवाल पूछे तेरा एक कान कर दिया. हट. मुझे यहाँ दाल में कुछ काला लग रहा है मैडम. हाँ, तेरी दाल में कुत्ते का बाल. अमित जी, ये शत्रु जी यहाँ क्या कर रहे हैं? जो तुमसे नहीं हुआ नल्ली कहीं की, वो मैं करना है. पौंगी कहीं की, बिगड़ बौंगी कहीं की. ना पौंगी ना बौंगी, दीपिका पादुकोण. ये तो 50-50 ऑप्शन से भी छोटी दीपिका. आपसे बड़ा तो हमारे पीकू का टाइटल था, पीको. वैसे छोटी तो तुम हो. अर्चना, अगर शाम आए तो उसको कह देना कि छोटू आया था. वैसे होती तो तलवार भी छोटी है, लेकिन बड़े बड़े योद्धाओं की गर्दन धड़ से अलग कर देती है. चावल में से तो कंकर अलग किए नहीं जाते, और गर्दन में से धड़ अलग करेगी. देखिए शत्रु जी, आज दो तीन गर्दनें धड़ से अलग होंगी, समझ में आया? लपड़ गंजू चपड़ गंजू कहेंगे. देखिए, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. ये पार्टी का हमने आयोजन किया है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना? हमसे हिंदी का कंपटीशन करोगे तो सुनो, यहाँ जो पार्टी रखी है वो अविश्वसनीय है, अनुकरणीय है, सोचनीय है, करुणामयी है, आनंदमयी है, और भी लिस्ट है हमारे पास.
आनंद मई है, खुशमई है, अप्रैल मई है, सुरमई है, सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना सपना दे जा रहे आरा रिरुम ये सब बोले जा रहे यार, हमसे कोई नाराजगी होगी? बिल्कुल है, आपने हमें अपनी फिल्म शहनशाह में क्यों नहीं लिया? हाँ तो तुमने भी तो हमें काली चरण में नहीं लिया था। हाँ तो आपके चरण गोरे थे, सफेद थे, चिट्टे थे, चिट्टियां कलाइयां बेबी तेरी चिट्टियां कलाइयां में। अरे आपने हमें दोस्ताना में नहीं लिया, सीधा टीवी से फिल्मों में काम मांगने का चपड़ घंजू दूं तेरे कान पे। क्या बात है शत्रु जी, आज तो आप बहुत ही उत्साहित हो रहे हैं। उत्साहित नहीं, मैं विवाहित हो गया हूँ पुराने ख्यालों में, पुराने ख्यालों में प्रवाहित हो गया हूँ। अरे अगर आप दोनों की अंताक्षरी खत्म हो गई हो तो हम कुछ बोले। हाँ तुम क्या बोलोगे, तुम कौन से नरेटर हो, जनरेटर हो, टर्मिनेटर हो? ये क्या है? ओ समय समाप्ति की घोषणा। वाह बिल्कुल सही कहा चपड़ गंजू। अरे ए कपू शर्मा ने मुझे कहा था कि सारी पेमेंट मेरे हवाले कर दो, नहीं तो समझ में आया कि नहीं माई के लाल। हाँ चपड़ गंजू समझी मंजू? मंजू नहीं, मैं नताशा हूँ। तेरी नताशा का बताशा, मुन्नी करे तमाशा, आई लव बिपाशा। एक मिनट एक मिनट, मैं सबकी पेमेंट क्लियर कर दूंगी, लेकिन जाने से पहले जो है मैं SRK को मेरी फिल्म के लिए साइन करना चाहता हूँ। सुना आपने? हाँ सुना, ये मुझे साइन करेंगी यहीं पे कर दो। ये क्या साइन? अरे इनसे अच्छा शाहरुख तो हम करते हैं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अरे इससे अच्छा शाहरुख तो मैं करता, ये तुझे देखा था ये जाना सनम। सत्तर मिनट पांच मिनट भी नहीं तेरे पास। अरे ये तो मैं, ये तो मैं I love you किरण। बाबूजी ने कहा घर छोड़ तो छोड़ते क्यों नहीं, चपड़ गंजी कहेगी। तेरी आंखों की नमकीन मस्तिया, ए तेरी भैंस की पूछ, तेरी भैंस की पूछ, मैं सबसे अच्छा शाहरुख खान करती है देखो। असली शाहरुख ये है? नहीं लगता। ये सारे सारे नकली है, ये देखो उबली हुई आलिया। एक मिनट मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ सारे के सारे नकली हैं। जब तुझे सारे के सारे पता था कि नकली, हमसे इतनी मेहनत क्यों करे? इतनी देर हमसे यो करे? देखो मेरी बात सुनो, अगर हम लोग पकड़े भी गए, वैसे तो भागना बनता है हमारा, लेकिन हम ठहरे 9 तुम ठहरे 2, तो तेरी माँ का साकी नाका। जुबीन मेरे भाई, क्या बात है, जुबीन के लिए जोरदार ताली हो जाए। और हमारे म्यूजिशियन दोस्तों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। क्या बात है अंकल, आप जब सैक्सोफोन बजाते हो ना, कसम से वो आपके ऊपर है। हालांकि आज भी आप चाहो ना तो आप, मतलब लड़कियां आप पे मर सकती हैं। जुबीन आपसे हमारी पहली बार मुलाकात हो रही, लेकिन आपके गाने हम सुनते रहते हैं, बहुत ही कमाल की आवाज ऊपर वाले ने आपको बख्शी है। थैंक यू। और मुझे मतलब इतना लंबा चौड़ा सिंगर मैंने पहली बार देखा है कसम से, मतलब ये तो इनका बड़प्पन है कि ये सिंगिंग में आ गए, आप पुलिस में भी जा सकते थे।
और ऐसे सिंगर को रिस्पॉन्स भी देना पड़ता, नहीं तो पता नहीं कब गिटार रख के जूडो कराटे करना शुरू कर दे। आप कहाँ से जुबिन बिलोंग करते हैं? सर मैं उत्तराखंड के पहाड़ों से आया हूँ। वाओ, जौनसार बावर एक जगह है वहाँ पर, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। जुबिन आपके तो इतने सारे फैंस अब हो चुके हैं, आप बॉलीवुड में किसके फैन हैं? सर मैं बॉलीवुड में आपका फैन हूँ। अरे ब्रो, आपका फैन। जुबिन जब भी मैं आपका गाना सुन रहा था ना सामने बैठ के, तो वो जो पीछे लड़की बैठी हुई है, अच्छा, वो मेरे से पूछ रही थी, कहती जुबिन से आप जरूर पूछना जुबिन बाल कहाँ से कटवाते हैं। मैं बाल खुद ही काटता हूँ, तो मैं असल में ऐसे करता हूँ, बाल ऊपर बांधता हूँ और उसके बाद कैंची से कच। अच्छा वाह, तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही कमाल की आवाज के साथ साथ जुबिन नौटियाल हेयर सलून भी है, अगर आप अपने बाल कटवाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे बाल भी काटते हैं, पर अच्छी बात है भाई। ये देखो आपने अपने हेयर स्टाइल की बात की ना, कि यहाँ पे मैडम बैठी हुई है, ये आपने बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, तो आप बड़ी ब्यूटीफुल लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आपने भी खुद ही बनाया हेयर स्टाइल? नहीं। हाँ जी। मैंने नहीं बनाया, मेरी सिस्टर ने बनाया, छोटी ने। पर बड़ा अच्छा लग रहा है। ये आप ही के बाल हैं जो आगे ऐसे बांधे हुए हैं? अब उस मेरे नहीं, नहीं, काले जो आगे वाले। अच्छा, तो मतलब पीछे खुले छोटे और छोटी घुमा के ऐसे। हाँ। क्या नाम है आपका? शिरीन परवीन। परवीन कहाँ है? नहीं, शिरीन क्या करती हैं आप? मैं ऐसे कुछ करती नहीं हूँ। अच्छा। सोच रही थी कि यहाँ पे आके कुछ करने के लिए सीख लूँ या फिर कुछ मिल जाए करने, तो नहीं आप आ ही गई हो तो कर लेते हैं कुछ। मतलब मुझे लगा कि आप शायद मॉडलिंग करती हैं या एक्ट्रेस हैं, तो मैंने इसलिए पूछा। हाँ मैं वही करती हूँ, बट मैं बताना नहीं चाह रही थी। जुबिन हम मिले थे एक बार, हम पार्टी किए थे साथ में, याद है? शिरीन भूल गए? थोड़ा सा भूल गया, लेकिन अब आपके हेयर स्टाइल देख के अब नहीं भूलूंगा। जुबिन मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, सच्ची बता रही हूँ, मैं तो चाह रही हूँ कि एक अच्छी से ना झप्पी ले लूँ। मैं उधर रहा हूँ कि आप इधर आएंगी? नहीं मैं आ सकती हूँ। आइए प्लीज, आइए। वाह, आते रहा करिए आप हमारे शो में। हाय हाय अंकल। जुबिन आप जब शोज करने जाते हो आपको लोग बड़ा प्यार करते हैं, वंस मोर चिल्लाते हैं, जैसे यहाँ पे भी बोल रहे थे, लेकिन ऐसा कभी हुआ आप शोज करने गए हो ज्यादा प्यार ही आपको ले बैठा हो? हाँ ऐसा भी हुआ एक बार मेरे साथ। अच्छा। असल में यूजुअली शो के बाद एग्जिट पीछे से होती है। हाँ जी। पर वहाँ पर पीछे से एग्जिट थी नहीं। अच्छा जी। तो हमने एक बहुत ही खतरनाक डांसिंग वाली गिग ली जिसमें लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते, एक फ्रेंजी क्रिएट हो जाता जी। फिर उसके बाद प्रमोटर ने बोला कि आपको जनता के बीच में से जाना है। अच्छा। मैंने कहा सर जनता के बीच में जाऊंगा तो कपड़े फटेंगे मेरे। प्रमोटर ने पैसे लिए होंगे इस चीज के कि मैं जुबिन को बीच में से निकालूंगा, ऐसा भी होता है कई बार। अब मुझे लग रहा है पैसे लिए, क्योंकि उसने बोला कि आपको ना लड़कियों की तरफ से जाना है। अच्छा। हाँ। तो फिर तो लड़कियों ने घेर लिया, मतलब जगह ही नहीं थी वहां पर। वाओ, बड़ा मजा आया। मुझे शुरू में तो लगा कि हाँ मजा आएगा। अच्छा। लेकिन मजा आया नहीं सर, मेरे शर्ट थोड़े समय मेरे शर्ट के बटन खुलने लगे और मैं कुछ नहीं कर सकता था। oh, और फिर कुछ स्क्रैचेस लग गए पीछे और फिर सिचुएशन हाथ से बाहर जब जाने लगी तो। कहाँ पे था ये शो? सर बहरूमपुर। बहरूमपुर वाले अगर हमारा शो कराना चाहते हैं तो हमें कहीं से भी निकालो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फाड़ दो हमारे कपड़े। जुबिन आप पहाड़ों से हैं। हाँ जी। तो पहाड़ी फोक का जिक्र ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता जी। जी। ऐसा कुछ पहाड़ी रंग में हमारे दर्शकों के लिए हो जाए कुछ। तो मैंने अभी एक रिसेंटली एक पहाड़ी गाने को बनाया है, रिक्रिएट करा है। ओके। और उसको एक हिंदी में लिखवा करके कुमार पाजी से हमने अच्छा गाने को रिलीज करा है। वाह। तो वो मैं गाना चाहता हूँ। जरूर जरूर सर प्लीज। क्या बात है, बहुत बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
इतनी इतनी खूबसूरत आपकी वॉइस टोन है ना बाजी, और इनमें भी ना वो रूह है अच्छी वाली, रूह जो रूहदारी जिनको कहते हैं ना सिंगर लोग, कि अपने ही गाने को डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन में गाते हैं। तो आज आपने नए नोट्स लगा के सुनाया, बहुत ही खूबसूरत है बाजी, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा लालची आदमी इस मामले में, थोड़ा म्यूजिक का बहुत शौक है और इतना अच्छा माहौल बनाया हुआ है, तो पाजी कुछ और। तो पाजी पहला गाना गाना चाहूंगा जो मेरा पहला गाना था जिस वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। जी पाजी आपने इतना अच्छा गाया ना, मेरा मेरा मन कर गया गाने का। लव यू लव यू। जुबीन पाजी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अभी आपको जाना नहीं है, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज फिल्म जंगली की जो स्टार कास्ट है वो भी आज हमारे शो में आ रहे हैं। सो हम चाहेंगे कि जो जंगली में आपने गाना गाया वो जरूर आप गाएं। जरूर। सो थैंक यू सो मच पाजी, लव यू, शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो, हाँ राजेश अरोड़ा बोल रहा हूँ, मुंह से तू कहाँ से बोलता है बदतमीज आदमी, फोन काटा नहीं तूने अभी? अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ हर प्रकार के इंटरव्यू लिए जाते हैं, हाँ बच्चों के मुंडन से लेके विवाह शादी तक के, इंटरव्यू देना हो तो आ जाना, हाँ फोन रखो भाई। हाँ मुझे अर्चना से एक गंदी बात करनी है। अर्चना जी मैं बताऊं आपको एक बात? बता। मैं 3 दिन से नहाया नहीं, यही थी मेरी गंदी बात, जो आपने सोची वो बहुत गंदी है। अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे वो जो लड़का नहीं आता कपूर शर्मा, वो हैंडसम सा स्मार्ट था, हाँ बहुत है, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता वो। क्यों? फालतू में बैठ के लोगों की इंटरव्यू, मैं अब से मैं इंटरव्यू करूंगा यहाँ पे। वेरी गुड, अपना खुद का इंटरव्यू शो, हाँ राजेश रोड़ा शो ऑफ। मुझे इंटरव्यू करने का इतना शौक है, इतने सवाल पूछने का शौक है, मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब पैदा हुआ ना मैंने पैदा होते ही अपने बाप को पूछा, मैंने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को माँ बनाने की? तो फिर उसने मेरी ऐसे करके बाजू में रोड़ी, फिर जाके मैं रोया, फिर डॉक्टर कहते बच्चा ठीक है। मैं जब रोया ना मेरी आंसुओं की धार कहीं और से निकली। अब मेरे से रुका नहीं जा रहा, इसलिए मैं आज के अपने गेस्ट को बुलाना चाहता हूँ, विदु जाम्बल, प्लीज वेलकम, सॉरी प्लीज वेलकम विदु जाम्बल। विदु जाम्बल आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। देखो मैंने पहले चप्पल पहनी फिर आपसे हाथ मिलाया, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि विद्युत को हाथ लगाने से पहले चप्पल पहननी चाहिए। आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सुनाइए फ्रूट खाएंगे? ये बहुत हेल्दी है मेरे लिए, आम भी रखे हुए हमने, ये देखो बजट देखो हमारे शो का। अच्छा मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, एक बात बताओ इतने आप पढ़े लिखे लग रहे, इतने हैंडसम, इतनी अच्छी फैमिली से जंगली क्यों बने? एक्चुअली हम सब जंगली हैं, हम लोग बहुत कूल बनने के चक्कर में जंगलीपन छोड़ देते हैं, जंगली बनना जरूरी है। बहुत अच्छी बात की अर्चना जी। मैं तो वही जंगली। अच्छा आप जो इतने सारे हाथियों के बीच में से भाग रहे हो, आपको हाथी कुछ कह भी नहीं रहे, आपने हाथियों के साथ दोस्ती कैसे की? सो जंगली जो फिल्म है वो हाथियों के बारे में है जी, जिस तरह से बेदर्दी से इनको मारा जा रहा है सिर्फ टस के लिए। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे रियलाइज हुआ ये इंसानों से ज़्यादा समझदार हैं। एक्चुअली एहसास इसलिए हुआ क्योंकि इनको आपको देख के बोलना नहीं पड़ता, अरे वाह क्या कूल लग रहे हो हरी टी शर्ट में, लाल टोपी में चमक रहे हो। थैंक यू। जिसके घर में कुत्ता है या बिल्ली है, जानवर रखे, उनको पता है बहुत सेंसिटिव होते हैं। बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत मज़ेदार, बिल्कुल। अच्छा मैंने एक चीज़ नोटिस की, हाथी बहुत अच्छे इंसान होते हैं, कुत्ते जो होते हैं वो बड़े कुत्ते होते हैं। जैसे आप हाथियों के बीच में फंसे हुए थे ना, मैं एक बार कुत्तों के बीच में फंस गया। कुत्ता ग्रुप ऑफ कुत्तास था, तो इससे पहले कि वो मुझे काटते मैं फटाफट 4 टांगों पे हो गया, और मैंने सिर्फ कुत्तों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए 2 इंसानों को काटा, उसके बाद उनको लगा मैं भी कुत्ता हो गया। बॉडी आ गई, बॉडी यार, वाह
हो माय गॉड यार, देख के सेम बॉडी। हाँ सेम बॉडी यार, हम आपके फिल्म का ट्रेलर, प्लीज सिट सिट, हैव अ सीट, रिलैक्स। आपके आने के बाद से इनकी मुस्कुराहट हट गई है। मुझे ये आदमी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? मुझे नफरत है इसकी शक्ल से। मेरी शक्ल तो बुरी नहीं है यार, बहुत ज्यादा खराब है। पता नहीं यार, आई डोंट नो व्हाई ही इज ऑलवेज चिड़चिड़ा। आई डोंट नो, बदतमीज इंसान यार। आई स्टे हसमुख ए भाई। अरे आराम से आराम से, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तेरे बाप का नहीं खा रहा हूँ मैं, अपना फ्रूट खाता हूँ। बुरे मूड में ये चलता है इनका। मुझे आदमी पसंद नहीं है, मैं आपके सामने इसको एक बार गली जाता हूँ। अथू गुड बाय सर, हम फिल्म का ट्रेलर देखे। ओ हो हो, वो जो हाथी के बीच में से ऐसे भागते हुए निकले, माय गॉड यार, माय गॉड, मजा आ गया। और वो जो सांप को पकड़ लिया था, अरे रे सर, सांप को आपने पकड़ा था ना गर्दन से, हिम्मत आया तो इसको पकड़ के दिखाओ। गर्दन आई नहीं है। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार, केले में धागे निकल रहे हैं। वैसे सर, I've been following you. हमें पता है कि वर्ल्ड के टॉप 6 मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स में से हमारे साथ आज यहाँ बैठे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। सर इतना कुछ हमने फिल्मों में देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है, लेकिन लाइव मतलब जिंदा हमने कभी आपको ऐसा देखा नहीं कुछ करते हुए। आज अगर आज लाइव सबके सामने एक एक क्वेश्चन। मैं बहुत ज्यादा देखना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज। कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। बंदोबस्त अभी करा दे तो बंदोबस्त कीजिए भाई। वाह, व्हाट इज दिस? मुझे बहुत मजा आया देख के। ट्राई कर लो। क्या बात है, अगर ये बोतलें भरी होती तो मैं पी के ट्राई करता। आ जाओ इधर बैठो, कितना खतरनाक बंदा। तो बहुत ही खतरनाक। ये बोतलें हटा लो। इतना खूबसूरत बंदा, ऊपर से इतना फिट, मैंने देखा लड़कियां बड़ी इंप्रेस होती भी ऐसे लड़कों से। सच सच बताना, आपने बोला था आप भी इंप्रेस हो गए पहली बार। मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ, पर मैं सेट नहीं ना हो सकता तुम्हारे साथ। अजय, जब आप जंगल में ऐसे स्टंट करते थे, वो जो सारी लेडीज थी, मतलब जंगल की लेडीज, अथनी वगैरह, शेरनी, कितनी इंप्रेस हुई होंगी इनको देख के। वाह, मजा आ गया होगा उनको तो। क्यों, क्या बोलते हैं बच्चा? बातें कर रहे हैं यार आप, ये हीरोइन के साथ रोमांस किया अपनी फिल्म में, हमें पता है। एंड दैट आल्सो नॉट वन हीरोइन यार, टू टू हीरोइन। आप दो दो हीरोइन के साथ कैसे फ्लर्ट कर लेते हो यार, मेरे को देखना है। ठीक है भाई, दिखा देते हैं, ऐसी क्या बात है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम जंगली फिल्म की दो खूबसूरत हीरोइंस, पूजा सावंत और आशा भट्ट। वाह, ये आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जीती रहो, बहुत प्यारी लग रही है तुम दोनों। दिल मिलो बेटा, घुटनों में क्या रखा है। अच्छा, मेरे को अब पता चला इंटरव्यू लेने में कितना मजा है। देखो लड़कियां खुद चल के आ रही हैं। मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप दोनों मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। थैंक यू। ये लीजिए मेरा नंबर, इसमें अपना नंबर डाल दो। आप बैठो, आप पहले इधर आ जाओ। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आइए आइए। अब
देखिए ये फोर्स कर रहे हैं हमें कि हम यहाँ बैठे बैठ जाए ओहो बीच में बैठो आप बीच में आ जाइए सर ओ गॉड यार ओहो बहुत गर्मी हो रहा है यार किसी को बहुत जलन हो रही है कमाल है यार रहने दीजिए इनका बस का नहीं है हम भी कुछ पूछ लेते हैं आप लोगों से तो हमें बताइए कि फिल्म के दौरान विद्युत जी हैं वो तो हाथियों के साथ भाग रहे थे आप लोग किसके साथ भाग रहे थे इतने हाथियों के साथ आपने काम किया कभी बोलने वाला हाथी देखा अच्छा मैंने ना जब आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा आप हाथी के दांत के ऊपर बैठे हुए ऐसे करके दांत और जहां से ये बैठे हुए ना वहां से दांत गोल था इसने भी ट्राई किया था ये पागल का बच्चा पता कैसे कहां पे बैठ गया जहां पे तीखा नहीं होता वहां पे बैठा ये अनिल भाई यार थोड़ा देखिए यहाँ पे दो लेडीज हैं एक ऑलमोस्ट लेडीज है उनके सामने आप ऐसे बात कर रहे मैं बोलता हूँ अर्चना मैं इनसे सहमत नहीं हूँ परख कमजोर है इनकी क्यों ऑलमोस्ट नहीं इसे बोलते कंप्लीट लेडी मैंने पार्टनर चेंज कर दिया अपना पार्टनर ये अब अरे यार डोंट डू दैट आई हैव टू जेन्युइन आदमी के साथ रहता हूँ मैं बहुत अच्छी बात की ठीक है अंदर राजेश जी बिल्कुल बेस्ट सही आपको मैं बताऊँ एक बात अंदर की बात बताऊँ पूजा आप सब अच्छा आप भी सुनो मेरी बात आपकी फिल्म में ना पहले आपकी जगह अर्चना को लेने वाले थे हाथियों ने स्ट्राइक कर दी कहते ये जब चिंगाड़ेंगे हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे so cute. हाथियों ने स्ट्राइक कर सच्चाई है ये सच्चाई है अरे वाह लगातार भंकस करने वाले अंकल आ गए अरे कैसे मैं ठीक हूँ अभी माता पढ़ाए विद्युत कैसे अरे वाह ये तो सच में इलेक्ट्रिसिटी आपने बहुत अच्छी ये लो ये रखिए आप लोग थोड़ा ये क्या आप रखिए एक मिनट ये क्या बट रहा है यहाँ पर इसकी ना आधे घंटे बाद आपको जरूरत लगेगी या तो इसका सर फोड़ देना या खुद का बहुत भंकस करते हैं ये औरत बड़ी झूठी है ये बन मानुष जैसी औरत ना ये इधर नंग दड़ंग लोग आते हैं उनकी मसाज करती है हाँ और ये बागड़ बिल्ला जैसे दिखने वाला आदमी है ना इधर बैठ के सबकी बेइज्जती करते हैं आप लोग जरा रुक जाइए हमें सवाल पूछने दीजिए हाँ जी देखिए जंगली फिल्म आप लोगों ने किया तो ऐसा जंगल वंगल का तो काफी नॉलेज हो गया होगा आपको जानवर वानवर का मिलते हैं आप लोग रोज हमें बताइए ये लोमड़ी को चालाक क्यों कहते हैं किसी बैंक से बड़ा लोन लेके विदेश चली गई क्या मतलब ये बार बता तुम्हारी बॉडी का वॉल कहाँ है मुझे हवा निकालनी है ये रात को ना रात को अपनी धोती में कैंडल जला के उड़ता है डोंट लिसन टू अंकल हाँ जी अंकल पता क्या हुआ कल नाला सुपर स्टेशन है ना उधर से मैं ऐसा राइट मारी उधर भोजराज भेलपुरी वाले अच्छा मैं खड़ी होकर भेलपुरी खा रही थी अच्छा बगल में जो आदमी खड़ा था ना उसको मैं जानती ही नहीं थी ये क्या बात हुई हाँ तो तुम्हारी बात क्या हुई तुम क्या बात करते हो ये बात तो है करेक्ट है आपकी बात क्या हुई क्या हुई बताइए क्या हुई जेंट्स टॉवल यूज करने वाली औरत अरे मेरे को एक बात बताओ विद्युत आपने 3 साल की उम्र में मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था तो जब आप अपना पहला मैच जीते तो आपको प्राइज क्या मिला था ब्लैक बेल्ट के ब्लैक डायपर जहाँ पे हम लोग करते थे वो छोटे छोटे बर्तन देते थे कटोरी फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज में चम्मच तीसरे में कांटा इस टाइप के मिलते थे वाओ अच्छा विद्युत मेरे को बात बताओ आपकी जब शादी होगी तो आप फेरे लेंगे कि प्रोटीन शेक गुड वन खैर अभी पूजा क्या मैंने बताया था यहाँ बैठिए
अच्छा नहीं लगता है। इसका वार्डरोब माल फंक्शन हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगा सर। उजय मैं आप लगा प्रोमो में देखिए क्या आप उसमें क्या एक्टिंग के लिए। थैंक यू। डांस भी बहुत अच्छा किया तुम्हें, मराठी सावंत है ना? ओहो मराठी है। क्या बात है, एक्टर अच्छे है, डांसर अच्छे है, मराठी भी है और हमारे इधर बैंड वाले भी है, लावणी भी बजा सकते है। समझ में आया? मेरा नहीं है लावणी का। वाह मेरे को बहुत मजा आया आपका लावणी देख के। शाबाश, आपको मेरी तरफ से ये सारा फ्रूट फ्री। आप लोग को बताए विद्युत, हमारे मेरा पार्लर है इधर सपना ब्यूटी पार्लर, हम लोग अलग अलग टाइप का मसाज करते हैं, तो स्पेशल मसाज है आपके लिए जंगली मसाज। जंगली मसाज में क्या होता है पहले बताओ। उसमें क्या कस्टमर को हम लोग ऐसे लिटाते हैं। अच्छा। उस पे तेल डालते हैं और ऐसे जिंगलाला 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 ऐसा करते, तो ऐसा करते तो एक घंटे में उसका झींगा बन जाता है। फिर क्या लाला जी आके झींगा ले जाते, ऐसा रहता है। और हुर हुर क्या, पैसा ही नहीं देता तो बोलते हुर भाग इधर, ऐसा ऐसा करके उसको भगा डाल। फिर हमारा दूसरा मसाज बहुत अच्छा है, लकड़ बग्गा मसाज। अच्छा। इसमें क्या कस्टमर का कपड़ा उतरते हम लोग और लकड़ मंगाते और फिर बगा बगा के मसाज करते उसका। तीसरा मसाज बहुत अच्छा है और अंकल, वो कौन सा? वो जिब्रा मसाज है। अच्छा, जिब्रा खुद आता होगा मसाज करने। येड़ा है क्या तू, ऐसे थोड़ी जिब्रा कैसे आएगा मसाज करने? मुझे बाबा तो पूजा आपने वो महावत लोग के साथ सीखा था ना, हाथी को कैसे कंट्रोल, उसको कंट्रोल करो ना, खाली पकड़ बीच में बकवास कर रहा। जिब्रा मसाज में अंकल क्या रहता है, कस्टमर का ऐसा कपड़ा उतारते है, फिर पोर्शन बाय पोर्शन मसाज करते है। ये पोर्शन छोड़ते इस पोर्शन पे करते, फिर ये पोर्शन छोड़ते इस पोर्शन पे करते, तो जिधर जिधर हम मसाज करते उधर सफेद रहता है बाकी काला, एक घंटे में पूरा जिब्रा। मेरे पास भी एक तेरे लिए स्पेशल मसाज है। कौन सा वाला? हाथ थू मसाज। अच्छा अच्छा, इसमें क्या रहता है? इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सीधा मुंह पे थूकता हूँ, हाथ थू चल निकल यहाँ से। ऐसे कैसे निकलेगी मैं? क्या विद्युत, आप इधर बहुत सारा चीज कर रहे थे, पावर आपका बहुत, स्टेमिना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं भी कम नहीं है, मैं चैलेंज देती है विद्युत को। क्या? आओ। चैलेंज क्या है? बहुत सिंपल है, आप मेरा हाथ टाइट पकड़ना, मैं एक मिनट में छोड़ा लेगी। एक मिनट में? एक मिनट में, अभी तक तो टाइम लगेगा, मैं लड़की है। मैं लड़की है। एक मिनट में देखा छोड़ा लिया, मेरा ऐसे ही रहता है, देखा कैसा किया मैं, छुड़ा तो लिया। मैं चल। बहुत फनी था यार, बहुत फनी, मजा आ रहा है। अरे जाड़ी है, इतने लोग आए हैं, अगर सबको फनी लगा सभी आके हाथ मिलाएंगे। बैठो इधर चुपचाप। अच्छा खुद बैठ यार। चलो हम भी निकलते हैं, लेकिन निकलने से पहले यार क्या है, जॉक्स है हमारे पास कुछ, जो क्या तो देखिए, आपका बहुत अच्छा बॉडी है, हम देखे हैं, अब दिख रहा है, मतलब क्या कमाल का बॉडी है आपका। लेकिन कोई इंसान है जिसका अगर थोड़ा बॉडी है तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सम बॉडी। एक और सर का बॉडी इतना है अभी हमें दिखाई दे रहा है, अगर इनका बॉडी एकदम डबल हो जाए, इससे भी ज्यादा डबल, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? विद्युत ही कहेंगे यार, बॉडी नाम थोड़ी पतली हो जाएगा। चलिए यार, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया आप मिलके ब्रो, लव प्लेजर यार, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना ऐसा का ऐसा बॉडी में हम आएंगे आपके सामने, दैट्स अ प्रॉमिस, यू चेक मी आउट मैन। ये चलिए, अरे चलो यार ये आदमी, चलिए अजय विद्युत मुझे एक बात बताओ, आप इतना अच्छा एक्शन करते हैं, अक्षय कुमार तो आपको मिलके बड़े खुश हुए होंगे कि नहीं? मिले थे आप कभी उनसे कि नहीं? अरोड़ा जी आपको पता है मैं सब एक्टर से मिल चुका हूँ हिंदुस्तान के, एक अक्षय कुमार ही हैं जिनसे मैं अभी तक नहीं मिला हूँ, और उसका एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है, जब तक मेरी मूवी एक एक्स अमाउंट ऑफ नंबर नहीं करेगी, मैंने मन में कसम खाई थी, मैं तब तक अक्षय सर से नहीं मिलूंगा। मुझे लगता है
जंगली वो काम करेगी और मैं अक्षय सर से मिलूंगा। मेरे को बड़ा अच्छा लगा आप अक्षय कुमार को लाइक करते हैं, मेरा बहुत प्यार है, मैं अभी आपकी बात कराता हूँ, एक सेकंड में मुझे रिप्लाई करते हो। ये देखना अभी ये क्या है, अक्षय, हेलो अक्षय, कॉल मी राइट नाउ, एक सेकंड में मैसेज आएगा, देखो आ भी गया, कह रहे वो इज दिस। यही उम्मीद थी तेरे से। आपको पता है ये शो शुरू करने से पहले कप्पू शर्मा ने जुबीन नौटियाल से गाने सुने थे। मैं था नहीं इधर, मैं उसको दोबारा बुलाता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम जुबीन नौटियाल। पूजा, आशा, जुबीन और विद्युत के लिए जोरदार ताली हो जाए। आप सबको आपकी फिल्म के लिए ढेर सारी मुबारकबाद, भगवान करे सुपर डुपर हिट हो और उसके बाद आप दोबारा वापस आए, क्योंकि अभी मेरी बातें पूरी हुई नहीं है। हाँ, और मुझे चैनल ने एक चीज लिख के भेजी, बोलते ये बोलना है। हाँ, ये कह रहे हैं कि आप सब यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आस पास सफाई रखे और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.